लो भाई आप भी खा लो। जितना पालक की सब्जी होती है उससे दुगना टेस्ट आता है इसमें। जय श्री राम भाई सबको, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड। कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आजकल भाई गांव में हूँ और गांव में भाई बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और मेरे गांव का नज़ारा देखिए भाई मेरे घर से कैसा दिखता है यहाँ से। और ये हमारा मेन गाँव है और इधर भाई हमारा पूरा घास काटने वाला इलाका है और इधर हम लोग भाई घास वगैरह लेने जाते हैं। और सामने भाई मेरा घर है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और आजकल भाई हमारा आंगन भी चौड़ा हो गया है, मैंने भाई अपने आंगन को चौड़ा कर दिया है। पहले मेरा यहाँ तक आंगन था, अब इसको मैंने चौड़ा करके भाई इतनी दीवार लगा दी है। और देखिए भाई क्या सुंदर दिख रहा है इसके बाद। बाकी ये मेरा घर का नज़ारा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे एक अच्छा सा मकान बना लूँ रेंट वाला। और ये हमारे पुराने टाइप का मकान है और थोड़ा सा आजकल भाई मॉडर्न ज़माने के साथ भी चलना पड़ता है। बाकी ये नज़ारा भाई गांव का, यहाँ से भाई हमारे गांव का अल्टीमेट व्यूज़ दिखता है। और इधर हम लोगों के भाई ये फल फ्रूट्स के पेड़ वगैरह लगे हैं, अखरोट के पेड़ हैं। मेरे भी इधर भाई अखरोट की खेती है, इधर कुटकी लगाई हुई है। बाकी इधर देखिए भाई हमारे गाँव में अभी भी बर्फ़ है, इधर भी और यहाँ पर भी थी कल तक बर्फ़, लेकिन आज पिघल गई है। और लगता है भाई मौसम ऐसी बना आकाश में आप लोग देख सकते हैं। और कल या परसों हमारे यहाँ पर फिर से बारिश आने वाली है, बर्फ़बारी होने वाली है। आपने भाई इस बार है क्या बोला रे? अरे अच्छा मम्मी देखो भाई क्या कर रही, नीचे चलते हैं वहीं पे दिखाते हैं हम लोगों को। मम्मी भाई हमेशा आजकल वैसे भी फायर हो रखी थी मम्मी, आज थोड़ा शांत हो रखी होगी कल क्योंकि वीडियो डाल दिया था मैंने। बाकी मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे देखते हैं। क्या कहो है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए भाई मम्मी आज विटामिन दिखा रही है। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये कन्याली अच्छा ये कलचेजा कन्याली की सब्जी बना रहे हो फिर आप हैं। ये देखिए गाइस किस प्रकार से निकाल रही है। और पहले जमाने में मेरी नानी यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बनाती थी और मैं भाई बहुत चाव से खाता था कन्याली की सब्जी बचपन में। और ये सब्जी सबसे पुरानी है ना, गांव से तो पहले कारण है। बाकी मम्मी भी यहाँ से कन्याली निकाल रही है। और हमारे जो खेतों के नीचे साइड होते हैं ये सब्जी यहीं पे होती है, मतलब जो खेत के मेड़ होते हैं मेड़ी पे ये सब्जी दुनिया भर की मिल जाती है हमारे पहाड़ों में। और स्पेशली भाई इस सब्जी को आजकल ही खाया जाता है और चावल के साथ खाओ, रोटियों के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, बहुत ही मज़ेदार सब्जी होती है। बाकी मम्मी ने ये इकट्ठा कर दी है यहाँ पे, ये देखिए ये कन्याली की सब्जी गाइस हमारे यहाँ पे। और आप लोगों ने तो देखी होगी, कई लोगों ने नहीं भी देखी होगी, नए नए लोगों ने। और जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा भाई बचपन में हम लोग भी भाई बहुत कन्याली की सब्जी खाते थे। अजी लखना ने मैं खाना ही को ना। अच्छा बाकी आज आप गुस्सा तो नहीं हो, विटामिन में दिखा रही हूँ ना। अच्छा विटामिन ही होता है मम्मी, एक तो आजकल फायर हो रही है चावल में विटामिन इसमें होता है, विटामिन मतलब विटामिन जौ हुआ, फावर की रोटी हुआ, मुनुआ की रोटी हुआ इसमें होता है विटामिन, और चुहा की रोटी हुआ उसमें होता है विटामिन। ये रेत के वो प्लास्टिक के साथ सुखा के वो विटामिन नहीं होता। मम्मी वैसे भी कल बहुत फायर हो रखी थी भाई मेरे साथ विटामिन विटामिन के चक्कर में। बाकी ये नजारा है और मम्मी यहाँ से कन्याली निकालते हैं, अभी निकालने देते हैं इसको और इसको निकालते हैं उसके बाद इसको बनाते हैं। चलो रेसिपी दिखाता हूँ आप लोगों को आज के ब्लॉग में, आज आप लोगों को भाई कन्याली की सब्जी की भाई रेसिपी दिखाऊंगा। और इसको हम लोग घर की भाषा में शौण बोलते हैं, हमने शौण बोलते हैं गाइस हम लोग इसको, हमारे पहाड़ों में गाय भैंस भी खाते हैं और हम लोग सब्जी बनाते हैं स्पेशली आज के लिए बनाते हैं। हमारे दादा परदादा सबसे पुरानी सब्जी उत्तराखंड में यही होगी कन्याली की सब्जी, विटामिन वाली। और पुराने दादा परदादा जो हमारे पूर्वज थे भाई यही सब्जी सबसे ज्यादा खाते थे और उसी की सब्जी हम लोग बना रहे हैं। और मट्ठा छाँस के साथ बहुत खाया जाता था पहले के जमाने में। तो ये है भाई सबसे पुरानी सब्जी हमारे यहाँ पे, जो जो मुझे पिशो और चुआरवाट जो पिशोना हा। अरे वाह, बाकी गाइस घर में आ चुके हैं और ये हरी घास के लिए कैसे कर रहा भाई, ये सपना है भाई इसका नाम। बाकी आग जल्दी हमारी यहाँ पे, चलो 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 बेटे, लालू भालू गालू चलो चलो हमारे आराम से। बाकी आज बर्फ़ पड़ने वाली है फिर देखते हैं मम्मी हैं। और बाकी आजकल हमारी आग भाई बाहर पे ही जलती है क्योंकि भाई हमारा काम भी बाहर पे चल रहा है, अब बाकी धुआं वगैरह लग जाता है अंदर, इस कारण से आग बाहर पे जलाती है मम्मी। और ये देखिए भाई क्या बेटे ब्लॉग बनाएगा, बेटे ब्लॉग बनाएगा ब्लॉग। चलो तुम मर जाओ, भागो भागो भागो। ये गाइस दोस्तों ये बहनों ऐसे चलना पड़ता है ये। अच्छा
बाकी हम लोग भाई कन्याले वगैरह लेके आ चुके हैं और इसको भाई थोड़ा सा आग में इसके कांटे वगैरह जलाने पड़ते ना मम्मी, थोड़ा सा ही ज्यादा चिलचाना पड़ता है, मतलब अपनी भाषा में जलन होता है, नहीं तो पेट में जल जलता है नहीं तो हल्का फुल्का पेट में जलन करता नहीं तो, इसलिए थोड़ा सा इसके कांटे वगैरह खत्म करने पड़ते हैं ऐसे। ये देखिए आवाज करता है, ये देखिए, फिर इसमें इसको गर्म किया जाएगा, उबाला जाएगा, तो मिक्सर में होना तो शुरमा पीसनी। अब मिक्सर हो गया है, मिक्सर हो गया, थोड़ा फायदा हो गया मिक्सर से, थोड़ा लेकिन लेकिन मिक्सर का उतना स्वादिष्ट नहीं होता, फिर भी जो बुई बड़ा जी पहले, अरे जो शिला वो चुना का अपने घर की रोटी का बाहर के मिलावट रोटी कैसे बनती है तेरे को बता कर के भी आए भी फिर वो इसी बोल रहा है। और कौन कौन लोग भाई कन्याले की सब्जी खाई है, किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने, बाकी कौन किसने नहीं खाई है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में। तो गाइस अब इसमें ये उबलने लग गया है और इसमें देख सकते हो भाई ये इसके ऊपर थाली रख के इसको भाई थोड़ी देर के लिए उबालना पड़ता है। बाकी गाइस इसका भाई कच्चापन अभी हम लोगों ने दूर कर दिया है, मतलब इसको उबाल करके थोड़ा सा कच्चापन दूर हो गया है और कच्चापन भी और इसमें थोड़ा सा जो मिट्टी वगैरह लगी रहती है हल्की फुल्की वो भी दूर हो जाती है इससे, इसको उबालना ही पड़ता है। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं आज सिलबट्टे, मम्मी सिलबट्टे में क्यों नहीं कर रहे फिर आज टाइम भी नहीं है, फिर मिट्टी से वो रखा सिलबट्टा खराब हो रहा है। बाकी हम लोगों ने इसको पीस दिया है, देखो ये देखे गाइस ये कुछ इस प्रकार से इसको बनाना पड़ता है ना मम्मी, ये देखिए एकदम पतला बनाना पड़ता है। कमेंट करके बताना, ऑर्डर मार देना, मैं यहाँ से भेज देंगे सीधा। कितने रुपए किलो? ज्यादा नहीं 15-20। अच्छा तो देखिए भाई मम्मी भी बोल रही है अगर दिल्ली देहरादून वालों ने अगर कन्याले की सब्जी अगर खानी है तो मेरे इंस्टाग्राम, किसके इंस्टाग्राम, आपके इंस्टाग्राम, आपके इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम पर कमेंट करके बताना। अच्छा मैसेज करना है आपके इंस्टाग्राम पर, मैसेज करना है ना मेरे इंस्टाग्राम, ठीक है। तो भाई जिसको भी चाहिए मम्मी के इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, दिल्ली देहरादून वाले आपको वहीं पे भिजवा देगी 15-20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी तो पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, अपने आदमी है। अच्छा तो आपको मम्मी ने बोल दिया भाई कन्याली चाहिए तो वहीं भेज देंगे, दिल्ली देहरादून जहाँ भी चाहिए, और बाकी जिस भी शहर में आप लोगों को कन्याली की सब्जी खानी है, बाकी ये सीन है भाई यहाँ पे। ये देखे गाइस गाय गाय के घी में बनाते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें घी डाल दिया है, उसके बाद अब इसमें लहसुन जाएगा, क्योंकि ये होता ना आजकल क्या होता है ठंड वाला जमाना है, मतलब ठंड वाला टाइम है आजकल, तो इस टाइम पे क्या होता है कि मतलब गरम गरम चीज़ें डाली जाती है, लहसुन वगैरह मतलब जितनी गरम हो सके गरम गरम चीज़ें। बाकी गर्मी में आप लोग ट्राई ना मत करना, साथ में जाएगा जीरा, ये देख सकते हो भाई, और चिबी है। अच्छा चिबी कहाँ, बुग्याल की, बुग्याल की चिबी है। अच्छा तो चिबी में गैस हटाने के लिए, चिबी मतलब हमारे पहाड़ में पाई जाती है भाई स्पेशली जड़ी बूटी, तो आप लोग भाई गर्मी में ट्राई मत करना जो ये कन्याले की सब्जी वगैरह, और क्योंकि भाई इसमें क्या हो जाता है गर्मी बढ़ जाती है पेट में। और मेरे भाई बैठे हैं हमारे यहाँ पे, और इसमें बाद लहसुन जाएगा इसमें, देख सकते गाइस। और तो गाइस देख सकते हो आप लोग स्पेशली भाई पहाड़ी सब्जी सबसे पुरानी, मतलब उत्तराखंड की या दुनिया की बोल सकते हो, मतलब उत्तराखंड की सबसे पुरानी सब्जी बन रही है हमारे यहाँ पे, हमारे पूर्वज सबसे पहले इसी सब्जी का किसका साग बनाते थे। बल फिर उसके बाद जाएगा हमारा प्याज, ये देखिए प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मारना क्योंकि भाई प्याज अच्छा लगता है। बाकी हमारे पास तो आज टमाटर नहीं है, टमाटर खाते नहीं ज़्यादा और टमाटर लाना, मैं मम्मी ने बोला तो था लेकिन मैं भूल गया भाई टमाटर लाना, टमाटर खाते बाकी नहीं तो भाई टमाटर की ग्रेवी भी बना सकते हैं आप लोग जैसे मिक्सी में बना करके, और वैसे भी डाल सकते हो, हम लोग वैसे ही डाल रहे हैं, मतलब टमाटर मतलब नहीं डाल रहे प्याज ही डाल रहे हैं, प्याज ही में बना रहे हैं, तो ऐसे बनाई जाती है भाई पहाड़ी सब्जी। लास्ट प्रोडक्ट हमारा जाएगा कन्याली भाई जो हम लोगों ने बना रखी है, ये देख सकते हो आप, देखो भाई दही तो नहीं, इधर लाओ इधर लाओ, ये देखिए भाई सब्जी ऐसी दिखती है, वाओ। इसमें थोड़ा सा पनीर के टुकड़े होने चाहिए थे और गर्मी, बाकी इसको उबलने देते हैं
और फिर चावल बना के हम लोगों ने चावल के साथ खाते हैं। कल हमारे यहाँ पे ना एक ही गाय दूध देती है, तो मम्मी थोड़ा सा दूध डाल रही है, दही तो हम लोग आजकल है नहीं, जिसके पास बेसन है थोड़ा सा बेसन मिला सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा मत मिलाना, दही है तो दही जरूर मिलाना इसमें, और स्वादिष्ट हो जाएगा। बाकी गाइस हम लोग भाई खाने के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पे, और ये देखिए भाई मम्मी चावल खा रही नहीं खा रहे हो? मम्मी ने चावल मंगा दिया भाई कल ना यहाँ से। बाकी ये देखिए भाई ये क्या टेस्टी लगते हैं भाई खाने में। बाकी ये हम लोग चावल के साथ खा रहे हैं, ये देखिए, और हरी मिर्च लाई, हरी मिर्च, ये भाई हमारा पहाड़ी नींबू, ये हमने पहाड़ी नींबू को भी काटा है, ये हो गया हमारी हरी मिर्च, ले तुम नहीं चलो, बाकी आओ रे लौड़ो। पहाड़ी नींबू में रस वगैरह कम होता है, तो बाकी टेस्ट करते हैं और हाथ से खाते हैं पहाड़ों में हम लोग। बाकी ये है भाई मेरा मोला, दिखने में ऐसा होता है, बाकी खाने में तो मैंने बहुत बार खाया है, आप लोगों ने किस किस ने भाई चखा है, किस किस ने भाई खाया है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मम्मी भी खा रही है और मैं भी खा के दिखाता हूँ आप लोगों को। मजा आ गया भाई, लो भाई आप खा लो। जितना पालक की सब्जी होती है उससे दुगना टेस्ट आता है इसमें, और टेस्ट भाई पालक के जैसा आता है, पालक के जैसा है, दिमाग खराब हो गया पालक का दीदी, टेस्ट उसी टाइप का आता है लेकिन डबल आता है, डबल नहीं स्वादिष्ट देख उसका पैनिमा। ये देखिए भाई, और बाकी रोटी के साथ, दही के साथ, आप लोग छांस के साथ खा सकते हो, और इसमें थोड़ा सा दही मिला करके वहाँ भी डालना पड़ता है, वो मैं घी में, क्योंकि दही इसलिए क्योंकि ये गरम होता है, गरम के साथ दही, और ये हम लोगों ने घी में बना रखा है, वैसे भी घी में बना रखा है सर मीठा, तो इसमें भाई और टेस्ट देता है, तेल में नहीं बनाना पड़ता इसको, मेरा गाय की घी रहता है ना, मजा आ गया भाई आज, अरे मो दिन बन गया भयंकर। आइए पहले मेरी नानी बनाती थी, और नानी के मतलब जो हाथ का स्वाद होता था ना वो कुछ और ही होता था, सिलबट्टे में बना देती, और उसमें भाई स्वाद डबल हो जाता था, और हाथ से सिलबट्टे से ही वो बनाए देते थे नानी लोग, मसाला तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो रहा है, बाकी हम लोग तो खाते रहते हैं, ये मिर्च काम ला रही थी, खतरनाक हो मिर्च भाई, बहुत खतरनाक हो रही है, ये थोड़ा आज गलो, थोड़ा ये मिर्च है कुलंगरी, थोड़ा बड़ा बस, मेरे पापा बोलते थे अच्छा, जो पलटी के रोटी वो काल, और जो की रोटी सात रोटी खा देते थे पल, एक दिन नानी दस रोटी, हाँ इसके साथ मेरे नाना जी तो यहाँ रहते थे ना, तो दस रोटी खाते थे पल इसके साथ, हाँ इसके साथ दस रोटी घी, तब भी गैस नहीं बनती, मतलब गर्म नहीं होता था पेट में, एक शेर घी पीते थे मेरे पापा अच्छा इसमें। बाकी गाइस खा पी के हम लोग तंदुरुस्त हो चुके हैं, अब लगता हूँ भाई मैं काम पे, भाई बंद यहाँ पे काम पे लगे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने काम करना है, बाकी ब्लॉग भी बहुत लंबा हो चुका है, और अभी दिन में हम लोग काम करेंगे, बाकी दिन में मेरे पास और कुछ है नहीं बोलने के लिए, बाकी मिलते हैं गाइस ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा पहाड़ी रेसिपी को, बाकी मिलते हैं गाइस ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।